दौसा जिले के सिकंदरा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सिकंदरा के राजकीय बालिका विद्यालय में मतदान करने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला कलेक्टर पीयूष सांबरिया मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करवाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, सिकंदरा ग्राम पंचायत अति संवेदनशील होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज कुल दौसा जिले में पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा और पंचायत समिति सिकंदरा में आज पोलिंग चल रही है। टोटल कुल 49 पंचायतें हैं, उसमें 7:30 बजे मतदान शुरू हो चुका है मॉक पोल के बाद। और जहाँ तक अभी तक व्यवस्थाएं जो हमने जायजा लिया मैं और एसपी साहब ने, उसमें काफ़ी संतोषजनक प्रोग्रेस दिखी है। आशा करता हूँ आगे भी पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। सर, कलेक्टर साहब ने बताया कि आज थर्ड फेज की पोलिंग चल रही है पंचायत चुनाव की। कुल 49 पंचायतों में पोलिंग है। सिकंदरा और रामगढ़ पचपारा मिला के जो अति संवेदनशील बूथ हैं, संवेदनशील बूथ हैं या फिर भयग्रस्त बूथ हैं, वो चिन्हित कर लिया गया था। वहाँ पे पहले ही चुनावदात्मक कार्रवाई कराई जा चुकी है। इसके अलावा बूथों की सेंसिटिविटी देखते हुए वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स उपलब्ध कराई गई है और दोनों ही जगह एडिशनल एसपी रैंक के सीनियर और नोडल अफसर बनाए गए हैं। कुल मिला के स्थिति अभी संतोषजनक है। सामान्य रूप से पूर्ण पीस के साथ में चुनाव हो रहा है। और अगेन आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, हम लोगों ने भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। आपके माध्यम से अपील करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने मताधिकार का अपील करें। थैंक यू सर। दौसा के सिकंदरा से अनुप पाटोदिया की ब्यूरो रिपोर्ट।